लोकसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग समाज को साधने के लिए देश के संपूर्ण प्रदेशों में सम्मेलन किए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस की योजनाओं को उन तक पहुंचाया जा सके। ये कहना है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू का। ताम्रध्वज साहू वर्तमान में दिल्ली में ही मौजूद हैं जहां वे पिछड़ा समाज के कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ताम्रध्वज साहू का कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने संपूर्ण प्रदेशों में संगठन तैयार कर जिम्मेदारी सौंप दी है, जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब ओबीसी वर्ग में ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है, जो मैं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार है, अधिकतर सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, तो अब ज्यादा परेशानी लोकसभा में नहीं आने वाली। तो अब सारे लोग हमारे हो गए हैं, सरकार हमारी है, कार्यकर्ता है, विधायक हमारे हो गए। जैसे मेरा लोकसभा क्षेत्र 9 विधानसभा है, उसमें से 8 में हमारी विधायक है, 1 में नहीं है वैशाली नगर में, तो वैसे ही हमारे पास हैंड्स हो गए हैं, तो बहुत बड़ा इसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली।